दो साल बाद मराठी मुलगी राधिका आपटे को सिनेमा में कदम धरे 20 साल हो जाएंगे। नेटफ्लिक्स की वह चहेती अभिनेत्री रही हैं, लेकिन ओटीटी हो या सिनेमा, यहाँ सब सलाम चढ़ते सूरज को ही करते हैं। राधिका आपटे की आखिरी फिल्म सिनेमा घरों में विक्रम वेदा हिंदी रिलीज हुई थी, उसमें काम भी उनका कुछ खास नहीं था। याद रह जाने वाला काम करने का मौका उनको ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म रात अकेली है और मोनिका ओमाई डार्लिंग में भी मिला। फिल्म मिसेज अंडरकवर एक कॉमिक थ्रिलर फिल्म होने की कोशिश करती है, माने कि ऐसी फिल्म जिसमें रहस्य और रोमांच तो है, लेकिन बीच बीच में दर्शकों को हंसाने और गुनगुनाने की कोशिश भी है। हिंदी सिनेमा में निर्देशक ब्रिज ने विक्टोरिया नंबर 203 और चोर मेरा काम जैसी कमाल की कॉमिक थ्रिलर फिल्म बनाई है। मसला फिल्म मिसेज अंडरकवर का भी कुछ वैसा ही है। प्राण जैसी मस्खरी करने का मौका यहाँ राजेश शर्मा को मिला है। वह स्पेशल टास्क फोर्स के मुखिया है और अपनी एक भूली बिस्तरी अंडरकवर एजेंट को ऐसे मौके पर तलाशने निकले हैं जब कोई कॉमन मैन सहसर युवतियों को सिर्फ इसलिए मार रहा है क्योंकि उसे महिला सशक्तिकरण की बात पसंद नहीं है। यानी अगर किसी लड़की ने उसके सामने समान अधिकारों की पढ़ाई लिखाई की या फिर अपने बलबूते अपनी पहचान बनाने की बात कर दी तो उसका मारना तय है। पुलिस कुछ करती नहीं दिख तो NIS सरीखी स्पेशल टास्क फोर्स उसको पकड़ने निकलती है। इस कॉमन मैन ने फोर्स के सारे एजेंट्स भी मार दिए हैं। चीफ की तलाश जहाँ खत्म होती है वहाँ पता चलता है कि 12 साल पहले टास्क फोर्स के एजेंट के रूप में प्रशिक्षित उनकी एक एजेंडा कोलकाता में हंसी खुशी पारिवारिक जीवन बिता रही है। तो कैसी लगी आपको मिसेस अंडरकवर की रिव्यू, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे फिल्मी संवाद के साथ। मैं नम्रता, धन्यवाद।